क्लास 9th रैपिड रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। डेमोक्रेसी समझने के बाद ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको बताता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को जो बेस प्रोवाइड करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका की कहानी समझेंगे, उस कहानी से सीखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, फिलोसफी क्या है, प्रीएम्बल क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है कि वहां अपार्थाइड का सिस्टम था। स्किन कलर के बेसिस पे ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। कलर्ड लोग मतलब ऐसा नहीं कि सतरंगी लोग, अबे साले, कलर्ड यानी कि जो नॉन ब्लैक्स थे, इंडियंस थे, उन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था और इसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। इस सिस्टम को अपार्थाइड कहा जाता था और इस अपार्थाइड के अगेंस्ट में आवाज उठाने वाले वहां के प्रोमिनेंट लीडर नेल्सन मंडेला को जेल हो जाती है। वो अपने जीवन के 28 साल जो है 1964 से लगा के 28 साल जो है वो जेल में बिताते हैं इस संघर्ष के, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। अब अगर आप जैसे देखेंगे तो 1950s के बाद से ही क्या होता है कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज बहुत तेजी से उठने लगी थी। ये सिस्टम पर्टिकुलरली बहुत ऑप्रेसिव था, सेग्रीगेशन की पॉलिसी थी, सारी पब्लिक फैसिलिटीज ब्लैक्स और व्हाइट्स के लिए अलग अलग होती थी, परमिट लेके काम करने जाना पड़ता था ब्लैक्स को व्हाइट वाले रीजन में, और तरह तरह के रिलीजियस प्लेसेस पर डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ। इसी के चलते अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में सारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट किया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 में नेल्सन मंडेला 28 सालों के बाद जेल से बाहर आते हैं, देश आजाद होता है, रिपब्लिक बनता है, अपार्थाइड के सिस्टम को खत्म किया जाता है और जो ऑप्रेस्ड थे और जो ऑप्रेसर थे वो लोग साथ रहकर आगे देश कैसे चलेगा ये तय करने वाले थे। ट्रस्ट कैसे डेवलप करोगे, मारपीट हो जाती, गद्दारी कर दे, और इसी ट्रस्ट को इंश्योर किया वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स को इक्वल राइट्स दिए गए। ब्लैक्स से ये इंश्योर करवाया गया कि बदला नहीं लोगे, मारोगे नहीं, और व्हाइट्स ने इंश्योर किया कि वो आगे से ऐसी कुछ चीजें नहीं करेंगे। और दिस शोस कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रिज की तरह काम करता है जो ट्रस्ट बनाता है। सवाल यही उठता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग काम करता है। जैसे साउथ अफ्रीका की कहानी से हमने देखा कि वो डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी, किस गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी। तीसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि कहीं गवर्नमेंट अपनी पावर का एक्सेसिव इस्तेमाल ना कर ले, हद से बाहर निकलकर उस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को परेशान ना कर दे, तो कॉन्स्टिट्यूशन वो लगाम भी लगाता है। चौथी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि जैसे लोग होंगे वो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगर एक चोरों के देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वहां चोरी करने पे प्राइस दिया जाएगा। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जैसे लोग होंगे वैसा संविधान होगा, या फिर जैसा संविधान होगा वो उस तरह की भावनाओं को दर्शाता होगा। तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग इन एनी कंट्री, और उन सेट ऑफ रूल्स के थ्रू कंट्री गवर्न होती है। अब बात करते हैं इंडिया की, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका की तरह हमारे यहां भी बहुत समस्याएं थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। क्यों? क्योंकि आज जितना आसान दिख रहा है उतना आसान था नहीं। देश आजाद हुआ था, पार्टीशन का खून खराबा, वो ट्रस्ट इंश्योर करना था कि सबको इक्वल राइट्स मिल पाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाथ था वो कुछ इस तरह से शुरू होता है कि आजादी के पहले ही डिस्कशन जरूर चल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, क्या राइट्स होना चाहिए। इनफैक्ट आप जैसे देखेंगे तो 1931 के कराची सेशन में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रेजेंट भी किया था, लेकिन तब चीजें कैपिटलाइज नहीं हो पाई। बाकी हमें एक चीज समझना होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में हम एकदम बुद्धू नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। जो आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें काम करते हुए हमारे लोग ये जानते थे कि आखिरकार एक संविधान कैसे होगा, कैसे देश चलाया जाएगा। उसके अलावा भी वर्ल्ड में हमने जो जो चीजें हो रही थी उससे बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स। जैसे आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया, बिल ऑफ राइट्स यूएसए से लिया, और कहीं ना कहीं वो सोशलिस्ट सिस्टम हमने कहां से लिया, रशिया से लिया। और इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैकिंग थी। ये डॉक्यूमेंट जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिस पर गर्व करते हैं, इसकी पूरी ड्राफ्टिंग का काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी है इलेक्टेड मेंबर्स की जिसने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है जुलाई 1946 में। दिसंबर 1946 से ये बॉडी काम करना शुरू करती है, लेकिन इसी बीच में धुमताना नाना हो जाता है और कंट्री का पार्टीशन होता है। पार्टीशन के बाद में 299 मेंबर्स जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए काम करते हैं और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी कर देते हैं। 1950 जनवरी के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस दिन से रिपब्लिक बन जाते हैं। संविधान होना पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे देशों में संविधान है लेकिन सिर्फ एक पेपर की तरह है। फिर हम हमारे संविधान को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि 75 साल के बाद भी आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की जाती है। अब बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज तो यह है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने मेजरली क्वेश्चन नहीं किया है, हर व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है। दूसरी चीज, वो रिजिड पत्थर की लकीर नहीं है, वो चेंज होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, तो वहां पे वो समय के साथ बदल भी रहा है। तीसरी चीज, वो फेयर ज्योग्राफिकल शेयर को रिप्रेजेंट करता है। और चौथी चीज, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अपने आप में बहुत नोबल था। हर एक चीज को डिबेट किया, डिस्कस किया, हर एक चीज क्यों है, कैसे है, उसको रिकॉर्ड किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से पूरी की पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, जिसे आज भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब भी सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीज क्यों है और कैसे है। अगला टॉपिक होता है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उस चीज को समझना है तो ये समझना होगा कि उसको किन लोगों ने बनाया है, क्योंकि जो लोग बनाएंगे उनके विचार उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। बात तो सही है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं कि हमारे देश को आजादी सही मायनों में तब मिलेगी जब हर एक व्यक्ति ये फील करेगा कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट कर रहा है, जब अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जब नशा खत्म हो जाएगा, जब महिलाओं को समान अधिकार मिल जाएंगे। और ये वैल्यूज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होती है, ये फिलॉसफी है, ये ड्रीम है। सिमिलरली बी.आर. अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा कि उन्होंने ये अपना एक चिंता जाहिर करी कि हम सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटीज से भरे हुए हैं और पॉलिटिकल लाइफ में इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, तो अभी जब तक हर फ्रंट पे इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक मुझे ये डाउट है कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से एस्टैब्लिश होगी या नहीं। और सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू का भी ये विजन था, जो ये बता रहे थे कि इंडिया एक ग्लोरियस फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारे जो लीडर्स हैं उनकी फिलॉसफी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करती है और कॉन्स्टिट्यूशन उन लीडर्स का आईना है। सिमिलरली आप देखेंगे तो प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को दर्शाता है, वो बताता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहली चीज, प्रीएम्बल होता क्या है? तो प्रीएम्बल एक आईडी कार्ड की तरह है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह है, एक पोम की तरह है, जो ये बताता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल अडॉप्ट किया है, चाहे आप यूएसए को देख लो, चाहे आप साउथ अफ्रीका को देख लो। सिमिलरली इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो कुछ इस तरह से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां पे इस वैल्यू को होल्ड किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी ने हैंडओवर नहीं किया, ये देश की जनता ने बनाया है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist and secular democratic republic. ये जो शब्द है, हर एक शब्द अपने अपने अंदर एक वैल्यू लेके चलता है। सॉवरिन का मतलब कि हम फ्री हैं, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, कोई हमें ये नहीं बताएगा कि आपको क्या निर्णय लेना होगा। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि वेल्थ जो है वो सोशली जनरेट होती है, तो वो सोशली डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, समाज में अर्थ का बराबर रूप से क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेक्युलर का मतलब कि हम सारे धर्मों को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, कोई एक धर्म जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, या फिर कोई एक रिलीजन को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहां पे पीपल हैव द सुप्रीम पावर, लोग सरकार चुनेंगे और उस हिसाब से देश चलेगा। रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो होगा एक इलेक्टेड पर्सन होगा। आगे प्रीएम्बल कहता है एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी, जो कि ये बताता है कि जस्टिस होना चाहिए हर सेंस में, इक्वालिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए और फर्टर्निटी यानी भाईचारे से लोग रहे। ये हमारा प्रीएम्बल है। लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जहां पे ये बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज और फिलॉसफीज जो है, उसके अलावा ये भी बताया गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे। वो इंस्टीट्यूशंस ये बताते हैं कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव कैसे होने के बाद में लीडर के पास कितनी पावर होगी, कौन क्या निर्णय कैसे लेगा, और इसी के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के भी प्रोविजन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पत्थर की लकीर नहीं है, उसे समय के अनुसार बदला जा सकता है रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज के द्वारा। सो दिस वॉज द होल चैप्टर, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इस चैप्टर का
पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।